नहीं सुरक्षित भाजपा नेता, जान से मारने की दी धमकी, जान से मारने की धमकी भी दी है, कट्टा तान कर कहा जान से मार देंगे, फ्यूचर में खतरा से बना हुआ है। आजमगढ़ में फूलपुर कोतवाली के बिलारमो बाजार में दारूबाज मनमड़ों के आतंक से जहां आम लोग परेशान हैं, वहीं एक भाजपा नेता पर शराबी युवक ने ताना कट्टा और जान से मारने की दी धमकी। जी हां, ये मामला 16 जनवरी की शाम 8 बजे का है, जब एक चाय की दुकान पर जौनपुर जिले शाहगंज के बीजेपी नेता डॉक्टर आत्मी वर्मा के ऊपर दारू के नशे में धर्मेंद्र यादव नाम के शख्स ने कट्टा तान कर जान से मारने की धमकी दे डाली, साथ ही गाली गलौज भी किया। डॉक्टर आत्मी वर्मा की माने तो अगर वहां पर मौजूद लोग मुझे नहीं बचाते तो वो मुझे मार देता। मैं चाय की दुकान पर चाय पी रहा था, एक पर? बिलार मो मार्केट है छोटी सी, अच्छा, उसी पर चाय की दुकान पर चाय पी रहा था, अकस्मात एक धर्मेंद्र यादव अन्ना अपराधी पर आया और गाली गलौज करने लगा। मैं तुरंत जो है उसे विरोध किया, तुरंत कट्टा निकाल लिया मारने के लिए, अगर लोग भी बिजाव न करते शायद मुझे मार देता जान से। धमकी भी दिया? हाँ, जान से मारने की धमकी भी दिया है। कोतवाली शिकायत की? जी, FIR दर्ज हो गया है। अच्छा, ये कार्रवाई भी हो रही है, फ्यूचर में खतरा से बना हुआ है। फिलहाल इस मामले की तह तक जाने के लिए फूलपुर कोतवाल के गुप्ता ने तत्काल FIR दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी, लेकिन आरोपी अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। इस तरह के नशेड़ियों पर पुलिस को शिकंजा कसना पड़ेगा, नहीं तो ये किसी खतरनाक घटना को अंजाम दे सकते हैं। आजमगढ़ से न्यूज टाइम नेशन के लिए अबुल बशर आजमी की रिपोर्ट।